अपने मन को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आपके हाथ से बपतिस्मा लेना है, आप क्यों मेरे पास आए हैं? अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमारा इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक Hey guys, क्या तुम मेरे Hollow Knight हेलमेट की जांच कर सकते हो? मुझे वापस मिलने के बाद बहुत धीमा हो गया है। वापस मिला? ये गुम हो गया था? ना, इसे सैम को दिया था। मुझे पता है क्या खराबी है क्रिस, इसमें बहुत सारे नए गेम्स लोड कर दिए गए हैं। अजीब बात तो ये है कि इनमें से एक भी गेम मार्केट में आए नहीं है। सैम ने चोरी किए खेल तुम्हारे प्लेयर में डाले हैं? नहीं, तुम समझी नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हे क्रिस, तुम्हें गेम मिल गए? हाँ। अच्छा है ना, मुझे एक नई पायरेसी साइट मिली है जहाँ से मैंने इन्हें डाउनलोड किया। पायरेसी? हाँ, मतलब चोरी की है। शांति दुखी आत्मा, छोटी सी बात है। सैम, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। जॉय, मुझे समझाने दो। मुझे कुछ नहीं समझना क्रिस, वो कोई भी बहाना बनाए मुझे परवाह नहीं, उसने चोरी की है। अगर तुमने वो गेम खेले जो सैम ने दिए है तो तुम भी चोर बनोगे, है ना? मुझे क्या करना चाहिए? टफेस्ट गेमिंग टूर्नामेंट्स में सैम मेरा साथी है, हम चैंपियन हैं क्योंकि वो एक बेहतर खिलाड़ी है। तुम क्या करने वाले हो क्रिस? मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं बस उन गेम्स को नहीं खेलूंगा। तुम्हारा मतलब तुम कुछ नहीं करोगे? तुम उसे वो सब करने दोगे जबकि जानते हो कि वैसा करना गलत है? मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलवाने ले जा रहा हूँ जिसने हर किसी से सच कहा, चाहे उसे अपनी जान को जोखिम में ही क्यों ना डालना पड़े। गिज, हम कहाँ हैं? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया परमेश्वर के आने वाले क्रोध से? अपने जीवन से दिखा कि तुमने पापों से पश्चाताप किया है और परमेश्वर की ओर रुख किया है,
और एक दूसरे से ये मत कहो कि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हम इब्राहिम की संतान हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों में से इब्राहिम की संतान उत्पन्न कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि आप मसीह हो, आप क्या कहते हो? मैं पानी बपतिस्मा देता हूँ जो पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, पर कोई ऐसा आ रहा है जो मुझसे भी महान है। वो इतने महान है कि मैं उनका दास बनने तथा उनके जूते उठाने के भी योग्य नहीं हूँ। मेरे बारे में बात कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, है ना? हाँ, और तुम इस पवित्र जगह को कितना शर्मिंदा करते हो। अपने भाई की पत्नी से शादी करना परमेश्वर के खिलाफ है। हाँ? परमेश्वर ने मूसा को यही बताया, इसीलिए मैं भी कहता हूँ उन्होंने जो किया है वो अपवित्र कार्य है। अजीब है। भूल जाओ उन्हें और चलो यहाँ से अभी। ऐसी बात पर भी तुम उसे छोड़ दोगे? तुम्हें लगता है कि कोई उसकी बात पर ध्यान देता है हेरोदियास? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी, ये आपने क्या किया? एक पापी को मैंने सच बताया। वो व्यक्ति हेरोदेस अंतिपास शक्तिशाली शासक है, वो अपना मार्ग नहीं बदलेगा। तो फिर स्वर्ग के शासक द्वारा उसका न्याय किया जाएगा और हमारी कल्पना से परे कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। सालोमी, सेवक दरबार से निकल गए हैं और इस समय तुम्हारे पिताजी अकेले हैं। हेरोदेस मेरे पिता नहीं है। जैसी तैयारी की है वैसा करो। नहीं, आप कैसे शांत बैठ सकते हो? कैसे उसे मेरे साथ ही करने दे सकते हो आप? अरे वो कौन? बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को। उसने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है ना सलोमी? जी हाँ, पूरे शहर में इसकी चर्चा है। मेरी बात सुनो हेरोदियास, एक पागल आदमी की बातों पर कौन ध्यान देता है? ठीक है, मत ध्यान दो, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी हूँ ना। लेकिन अपने लिए तो ध्यान दो। हर बात यूहन्ना जो करता है अपने परमेश्वर के बारे में, वो तुम्हारे अधिकार को छीन करता है। मैं समझ गया। ठीक है, मैं उस बपतिस्मा देने वाले को बंदी बना दूंगा। अब तुम्हें शांति मिलेगी। अभी के लिए हर कोई जिनके साथ हमने पिछले कई दिन से समय बिताया है उनके पास आपके जैसी एक कहानी है। पर क्या शुरुआत में आपको उनसे थोड़ा डर नहीं लगा, जैसे कि उनके विचित्र बालों से और वो जानवर की चमड़ी और वो संदेश? तुम हमारे साथ जंगल में काफी दिनों से हो। यूहन्ना को हमारा ध्यान आकर्षित करना आता है। वो चाहते हैं कि हम सच्चाई सुने, जब हम सुनना नहीं चाहते तब भी। पहले सुना है ना? तुम्हें यूहन्ना से खुद मिलना जरूरी है। ठीक है, पर पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो क्या है जो वो करते हैं पानी में डुबाकर? ओह, उसे बपतिस्मा कहते हैं। ये लोग अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर की क्षमा को ग्रहण कर रहे हैं। मुझे वो पता है गेज, मैं तो वो अनन।
क्या तुमने हमारे नए मेहमानों की देखभाल की? जी हाँ, मैंने की गुरुजी। शायद तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। बहुत बढ़िया रहेगा। वो क्या है? मधु और टिड्डे हैं। और आप इसे खाते हैं? हाँ, यहाँ जंगल में भी प्रभु हमें खाना देते हैं। जरूर मैं खाऊंगा। क्यों गुरुजी, वो व्यक्ति जो आपको यर्दन नदी के उस पार मिले थे, वही व्यक्ति जिसे आपने मसीह पहचाना था, वो व्यक्ति भी बपतिस्मा कर रहे हैं। और हर कोई उन्हीं के पास जा रहा है, हमारे पास आने की बजाय। तुम खुद जानते हो कि मैंने साफ साफ बताया था, मैं मसीहा नहीं हूँ, मैं केवल उनके लिए रास्ता तैयार करने आया हूँ। इसी कारण से उनकी सफलता में मैं खुश हूँ। पर गुरुजी, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। बिखर जाओ, बपतिस्मा देने वाले को ढूंढो, जाओ ढूंढो, निकल ना पाए। अब हम क्या करें? उधर देखो, नदी के बाजू घास में छिप जाओ, जाओ सब लोग। इधर ढूंढो, निकलने ना पाए। जाओ, चलो वहाँ पर झाड़ियों के पीछे, वहाँ पर, वहाँ देखो, वहाँ उधर जाओ, तुम उधर जाओ। क्या करना चाहिए? हमें यूहन्ना की मदद करनी है। देर हो गई। ऐसा लगता है कि सुपर बुक हमें उस समय से कुछ महीने आगे लाए हैं। हमें पता लगाना पड़ेगा कि यूहन्ना के साथ क्या हुआ। हम उनसे ही मिलकर आ रहे हैं बच्चों। उन्हें हेरोदेस के महल के नीचे तहखाने में बंदी बनाकर रखा गया है। हमें बपतिस्मा देने वाले योहन्ना ने भेजा है। क्या आप वही मसीह हैं जिनकी हम प्रतीक्षा करते हैं? या फिर हम लोगों को किसी और को ढूंढना होगा? जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, वो सब जाकर योहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दों को जिंदा किया जाता है और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और उनसे कहना कि परमेश्वर उन्हें आशीष देंगे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। चलो देखते हैं कि योहन्ना की मदद कैसे कर सकते हैं। माँ, बपतिस्मा देने वाला योहन्ना तहखाने में है, क्या ये काफी नहीं है? नहीं, ये काफी नहीं है। हालांकि यहाँ होने की वजह से हेरोदीस उनसे मिलने भी जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उसे पाप और उद्धार के बारे में बात करना पसंद है, फिर भी हेरोदीस उसे कुछ भी नहीं कहते। पर हम कुछ जरूर कर सकते हैं। जल्दी गैस। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे किसी जगह सामान्य लोगों की तरह अंदर जाना है, समझे तुम? शांत रहने का क्या लोगे? हम नहीं जा सकते। पकड़ लिया। मैं गले नहीं लगता। भागो जॉय। बड़ी बच्ची है, जो बपतिस्मा देने वाले के साथ है, पीछा करो। Yeah.
वो कौन से रास्ते से गए हैं? उस दिशा में जाओ, तुम दोनों मेरे साथ आओ। यूहन्ना, क्या आप? कौन है वहां पर? यूहन्ना, यूहन्ना, मैं हूँ क्रिस। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को देखने आए हो, जो अब बंदी बन गया है ना? ऐसा मत कहिए, कोई तो रास्ता होगा आपको बाहर निकालने का। शास्त्र में एक संदेश वाहक के बारे में लिखा है, जो पुकारेगा, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे प्रभु परमेश्वर के लिए सड़कें सीधी करो। मैं वो संदेश वाहक हूं और यीशु प्रभु है। अब अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। नहीं, मैं समझा नहीं, पर आप यहां से जाने के बाद मुझे समझा सकते हैं। चलिए यहां पर। क्या कह रहे हो? बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत अच्छे, अद्भुत। अब आप क्या करेंगे मेरे लिए? तुम जो भी मांगो हो जाएगा। मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तुम मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। अरे, अरे ये तो उनकी बेटी है। हाँ, उन्हीं की बेटी। क्या रहे हैं? ये चल क्या रहा है? ऐसा तो कभी सुना है? चाहते क्या है? कभी नहीं पता नहीं क्या हो रहा है, विश्वास नहीं होता। बताइए मुझे क्या मांगना चाहिए। इसी वक्त एक थाली में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का सिर चाहिए। विश्वास नहीं होता। अब राजा क्या करे? शोक से कैसे हो सकता है? बात मानेगा? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें पता है कि अपने मेहमानों के सामने दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता। कप्तान, तहखाने में जाकर यूहन्ना का सिर काट दो। क्या? ये कैसे वास्ता है? राजा ने हुक्म दिया। चलो, हमें क्रिस को ढूंढना है। जॉय, मुझे यूहन्ना मिले। बहुत देर हो गई क्रिस, वो उनका सर कलम करने वाले हैं। क्या? नहीं। चलो, खड़े हो जाओ। अरे उठो, चलो चलो, सब इस तरह से क्यों खत्म होना था? क्रिस, सुपर बुक, अभी नहीं।
जो मैंने सोचा होने वाला था हुआ क्या? क्या योहन्ना? योहन्ना ने हमेशा सच कहा, यह मायने नहीं रखता कि क्या परिणाम होगा। ओह हे क्रिस, वो नए गेम तुम्हें पसंद आए? मैंने गिज़्मो से उन्हें डिलीट करने को कहा। क्या? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्रिस। नहीं, तुम्हें अधिकार नहीं था सैम। तुम्हें पता है चोरी एक गलत बात है। एक पायरेटेड गेम डाउनलोड करो या फिर दुकान से उस गेम की सीडी चुराकर अपनी जेब में डालो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पर चोरी या धोखा करने में मैं तुम्हारा साथी नहीं बन सकता, और सिर्फ यही सच भी है। हे, शायद मैंने जो किया वो सही नहीं था, पर स्कूल में सबसे अच्छे गेम्स मेरे पास ही हैं। जानते हो, अब मैं समझ गया कि बपतिस्मा देने वाले योहन्ना को कभी कभी इतनी जोर से चिल्लाना क्यों पड़ता था। हाँ, कुछ लोगों तक पहुँचने का सिर्फ यही एक जरिया है, पर अभी के लिए सैम को ये बात खुद ब खुद समझने के लिए थोड़ा समय देते हैं। तुम जंगल में किस तरह के व्यक्ति को देखने गए थे? वचन में परमेश्वर उनके बारे में कहते हैं, अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से बढ़कर पृथ्वी पर कोई नहीं जन्मा है, पर स्वर्ग के राज्य में जो छोटे से छोटा है वो उससे भी बड़ा है। जीवन नया